नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज की वीडियो में हम YouTube स्टूडियो को रिव्यू करने वाले हैं। YouTube स्टूडियो एक ऐप है, आपको पता होगा या हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन अब पता चल गया। और इससे बेसिकली जैसे कि आप क्रिएटर स्टूडियो में आप थोड़ा मोड़ा सेटिंग्स कर मतलब YouTube से रिलेटेड सारा सेटिंग्स करते हैं, तो YouTube स्टूडियो में जो है सो बेसिकली उसको ऐप के रूप में बनाया गया है। और उसको जो है सो उसमें थोड़ा मोड़ा सेटिंग्स आप जो है क्रिएटर स्टूडियो का कर सकते हैं। तो चलिए पहले ऐप ओपन कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ओपन करते ही सबसे पहले मेरा जो है सो चैनल का नाम बताया और कितना सब्सक्राइबर ही है, और जो है सो एस्टिमेटेड रेवेन्यू 0 है, वॉच टाइम बताया, व्यूज़ बताया और सब्सक्राइबर चेंज बताया, उसके सेकंड नंबर पे वीडियो बताया, थर्ड नंबर पे जो कमेंट्स आ रहे हैं वो बता रहा है। और उसके बाद राइट साइड में स्लाइड करने पे आता है कि आप यहाँ पे चैनल चेंज कर सकते हैं कि किस चैनल को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे सेलेक्ट करने से ऊपर वे। और उसके बाद फर्स्ट में डैशबोर्ड है जो कि सेलेक्टेड था, सेकंड नंबर पे क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा वीडियोज़ आ जाएगा जो कि देख सकते हैं आप मैंने अपलोड किया है वो। और अगर किसी वीडियो पे सेलेक्ट कीजिएगा तो उसके बाद उस वीडियो का जो है सो कितना वीडियो जो है सो एडिट हो जाएगा, मतलब कहने का मतलब उसमें कितना व्यूज़ है, कितना क्या कहते हैं कमेंट्स है, लाइक्स है और डिसलाइक्स है वो दिखाएगा, और 48 आवर्स में कितना व्यूज़ आया है वो दिखाएगा। और यहाँ पे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो है वीडियो एडिट कर पाएंगे। यहाँ पे टाइटल, डिस्क्रिप्शन और पब्लिक करना है या प्राइवेट करना है, प्राइवेसी यानी कि, और इसको किसी प्लेलिस्ट में ऐड करना है या नहीं, उसके बाद टैग्स लगाना है या नहीं, तो ये सब सेट कर पाएंगे। और साथ में यहाँ पे थंबनेल भी डाउनलोड कर सकते हैं और थंबनेल एडिट भी कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में है कि कैटेगरीज में एंटरटेनमेंट है या फिर बहुत सारा है, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्या सेलेक्ट करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद लाइसेंस है, दो क्रिएटिव कॉमन लेना है या स्टैंडर्ड लाइसेंस देना है, कमेंट्स लेना है, कमेंट्स अलाउ करना है या नहीं, यूज़र क्या कहते हैं रेटिंग जो है सो व्यू कर सकता है या नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑप्शन है, और उसके बाद एज रिस्ट्रिक्शन करना है या नहीं, या फिर इसको सीधे डिलीट करना है यूट्यूब से, ये सब ऑप्शन। उसके बाद हम सेव कर देंगे इसको, फिर वापस वहीं आ जाएगा। उसके बाद बैक कर लेंगे इस वीडियो को। उसके बाद ये वीडियो का ऑप्शन था, और वीडियो में भी एक ऑप्शन है कि मतलब आप किस वीडियो को व्यू करना चाहते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, अनलिस्टेड या ड्राफ्ट को। तो जैसे यहाँ ऑल वीडियो था, यहाँ पे प्राइवेट वीडियो करेंगे तो सीधे प्राइवेट वीडियो आ जाएगा जो कि प्राइवेट किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेलेक्टेड है कि मतलब मोस्ट व्यूज़ है या रिसेंट व्यूज़ है, वो है। यहाँ पे सर्च बटन है, आप सर्च भी कर सकते हैं वीडियोज़ के बाद आते हैं प्लेलिस्ट पे। प्लेलिस्ट में वो सारा प्लेलिस्ट जो कि क्रिएटेड है वो सब व्यू करता है। उसके कमेंट में आपका कमेंट शो करता है, जैसे कि ये सब लिखा हुआ है, सारा कमेंट है, ये सब सारा कमेंट्स है। उसके बाद एनालिटिक्स में जो है सो आपका एनालिटिक्स शो करेगा, जैसे कि ओवरव्यू में जो है सो ओवरऑल शो करता है जो है। उसके बाद हम आपको पूरा तो नहीं दिखा सकते, पूरा आप खुद समझ लीजिएगा क्योंकि उससे टाइम ज़्यादा बर्बाद होगा। रिवेन्यू में जो है सो रिवेन्यू से रिलेटेड, डिस्कवरी में जो है सो देख रहे हैं आप, टोटल ट्रैफिक सोर्स दिखा रहा है अक्सर, बेसिकली एनालिटिक्स में सारा एनालिटिक्स से रिलेटेड जो है चीज़ें दिखाता है। ऑडियंस कहाँ का है, एज क्या है उसका, कंट्रीज कौन सा है, और सबटाइटल है या नहीं वो दिखा रहा है, इंटरेक्टिव कंटेंट दिखा रहा है। उसके बाद ये इंटरेक्टिव कंटेंट मतलब कि कितने में से कितना क्लिक हुआ ये दिखाता है। उसके बाद प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जो है प्लेलिस्ट से रिलेटेड चीज़ दिखाता है। एनालिटिक्स में बस यही है। उसके बाद यूट्यूब में अगर आप क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट यूट्यूब का ऐप खुल जाएगा। और उसके बाद जो है सो सेटिंग्स है, सेटिंग्स में है कि कमेंट शो करना है या नहीं, उसके बाद है नोटिफिकेशन को है सो आने देना है या नहीं वो है।
इसका सेटिंग से बैक चले जाएंगे तो उसके बाद आ जाता है सेंड फीडबैक का ऑप्शन है, फीडबैक भी आप सेंड कर सकते हैं, और एक हेल्प का ऑप्शन है। तो सेंड फीडबैक पे क्लिक करेंगे तो फीडबैक जाएगा सीधे यूट्यूब को इस ऐप के बारे में और स्क्रीनशॉट के साथ। और जो है सो क्या कहते हैं, हेल्प पे क्लिक करेंगे तो हेल्प जाएगा कि आपको कोई मदद चाहिए या नहीं, डिस्क्राइब योर इश्यू, गिल्प हेल्प एज ए क्रिएटर यूट्यूब क्रिएटर। बेसिकली हेल्प का ऑप्शन अभी आपके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि जब तक आपका 100 सब्सक्राइबर नहीं पूर जाता है, 100K सॉरी, तब तक जो है सो यूट्यूब से आप हेल्प नहीं ले सकते किसी तरीके का, ये तो रूल है, ये तो सब जानते हैं। तो यही था बेसिकली जो है सो हमारा ये ऐप का जो है सो पूरा ओवरव्यू जो है सो इसके अंदर में क्या क्या है। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।